आपका स्वागत करता हूँ गार्डनिंग टिप्स मानसून में। कैसे सभी लोग, क्या लगा रहे हैं इस समय गार्डनिंग में, क्या चल रहा है आपका इस समय? अगर जो भी आप पौधे लगा रहे हैं आप बताइएगा, अगर किसी प्रकार से प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताइएगा। चलिए आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो मैं गया था नर्सरी तो वहाँ से लाया था मैं गेंदा डबल वैरायटी का दो कलर में, तो सोच रहा था उसकी मैं अपडेट दे देता हूँ, दिखा देता हूँ कौन कौन से कलर के लाया था और किस वैरायटी का गेंदा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये फ़िलहाल मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा गुलदावरी का जो मैं लाया था पहले अपडेट दे चुका था वही है गुलदावरी। तो अब ये देखिए काफ़ी अच्छे फूल दिख रहे हैं। अब मैं अपने गेंदा की अपडेट दिखा रहा हूँ कौन कौन से गेंदा थे। ये मेरा फर्स्ट जो गेंदा है मेरी गोल्ड, ये डबल वैरायटी का, देखिए कितनी सारी कलियाँ आई हुई हैं, कितनी ढेर सारी कलियाँ हैं। और ये हेल्दी पौधा देख के लाया हूँ। आप नर्सरी जाइए, पौधे को ज़रूर देखिए आप, उसमें कितनी कलियाँ हैं, कितनी कितने सारे फूल खिलने वाले हैं, ये आप ज़रूर देखिएगा। तो मैंने देखा कि इसमें बहुत सारी कलियाँ हैं, तो मैंने यही पौधा चॉइस किया। और ये थोड़ा ऑरेंज कलर का, इसको बोल सकते हैं अभी पूरा खिला नहीं हुआ, अभी और बड़ा होगा ये, तो आप भी ऐड कर सकते हैं। इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है और बहुत अच्छे फूल खिलने वाले हैं इसी गेंदा में। इसी प्रकार से मैं दूसरी वैरायटी की यदि बात करता हूँ तो दूसरी वैरायटी में मेरा आता है ये हल्का सा येलो टाइप में बोल सकते हैं। देख लीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है, अभी भी इसकी पूरी पेटल खुली नहीं हुई, पूरी अभी कलियाँ नहीं खिली हैं। और ये बड़ी बड़ी कलियाँ देखो आई हुई, कितनी ढेर सारी कलियाँ हैं, आप हम बता नहीं सकते कितनी सारी कलियाँ हैं यहाँ पर। देखिए पौधा थोड़ा हेल्दी भी है बहुत, जितना ज़्यादा जितनी ज़्यादा यहाँ पर ब्रांचेस हैं उतनी ज़्यादा कलियाँ हैं। बस यही आपको फूल लेने का बढ़िया बढ़िया ट्रिप एंड ट्रिक होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे ले सकते हैं। तो उसमें आप देखिए जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतने ज़्यादा फूल खिलने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो ये आपको फ्लावर कैसे लगे, अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और इसी प्रकार से एक और प्लांट मैं लाया हूँ, वो मेरा उसका है हिबिस्कस का, गुड़हल का, वो जो परमानेंट फ्लावर देने वाला है, परमानेंट फ्लावर देता है मतलब 12 महीने फ्लावर देता है। कुछ ऐसे हिबिस्कस होते हैं गुड़हल जो 1-2 महीने सीजन में देते हैं, लेकिन वो एक ऐसा है परमानेंट फ्लावर देता है, उसकी भी मैं अपडेट दे दूंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं सोच रहा था गेंदा की अपडेट दे देता हूँ। इसके बाद में जो मैंने सीड्स तैयार किए थे गेंदा, उसका मैं दिखाता हूँ क्या कितने बड़े हो गए, उसमें कलियाँ भी आ गई। देखिए आप दिखाता हूँ, ये देख लीजिए कितनी सारी कलियाँ आ गई, कितनी ढेर सारी कलियाँ आ गई। तो देख लीजिए अपडेट, देखो कितना भरा हुआ है गमला, ये देखिए ये 10 इंच में और कितना सारा भरा हुआ है, ये देखिए दिख रहा होगा कितना सारा सुंदर लग रहा होगा आपको ये। तो आप भी इसी तरीके से कलियाँ बहुत सारे फूल ले सकते हैं, इसका मैं राज बता चुका हूँ पहली वीडियो में, आप देख लीजिएगा। तो अब इतना बड़ा हो चुका है, कलियाँ भी आ चुकी हैं, और जैसे ही फूल खिलेंगे मैं आपको इसकी भी वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो दोस्त आज मैं जो वीडियो बनाया हूँ इस आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स को बताइए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्त। थैंक यू दोस्त। हेलो दोस्त, कैसे सभी, मैं आपका स्वागत करता हूँ गार्डनिंग टिप्स मानसून में। कैसे सभी लोग, क्या लगा रहे हैं इस समय गार्डनिंग में, क्या चल रहा है आपका इस समय? अगर जो भी आप पौधे लगा रहे हैं आप बताइएगा, अगर किसी प्रकार से प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताइएगा। चलिए आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो मैं गया था नर्सरी तो वहाँ से लाया था मैं गेंदा डबल वैरायटी का दो कलर में, तो सोच रहा था उसकी मैं अपडेट दे देता हूँ, दिखा देता हूँ कौन कौन से कलर के लाया था और किस वैरायटी का गेंदा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये फ़िलहाल मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा गुलदावरी का जो मैं लाया था पहले अपडेट दे चुका था वही है गुलदावरी। तो अब ये देखिए काफ़ी अच्छे फूल दिख रहे हैं। अब मैं अपने गेंदा की अपडेट दिखा रहा हूँ कौन कौन से गेंदा थे। ये मेरा फर्स्ट जो गेंदा है मेरी गोल्ड, ये डबल वैरायटी का, देखिए कितनी सारी कलियाँ आई हुई हैं, कितनी ढेर सारी कलियाँ हैं। और ये हेल्दी पौधा देख के लाया हूँ। आप नर्सरी जाइए, पौधे को ज़रूर देखिए आप, उसमें कितनी कलियाँ हैं, कितनी कितने सारे फूल खिलने वाले हैं, ये आप ज़रूर देखिएगा। तो मैंने देखा कि इसमें बहुत सारी कलियाँ हैं, तो मैंने यही पौधा चॉइस किया। और ये थोड़ा ऑरेंज कलर का, इसको बोल सकते हैं अभी पूरा खिला नहीं हुआ, अभी और बड़ा होगा ये,
तो आप भी ऐड कर सकते हैं। इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है और बहुत अच्छे फूल खिलने वाले हैं इसी गेंदा में। इसी प्रकार से मैं दूसरी वैरायटी की यदि बात करता हूँ तो दूसरी वैरायटी में मेरा आता है ये हल्का सा येलो टाइप में बोल सकते हैं। देख लीजिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी भी इसकी पूरी पेटल खुली नहीं हुई, पूरी अभी कलियाँ नहीं खिली हैं और ये बड़ी बड़ी कलियाँ देखो आई हुई, कितनी ढेर सारी कलियाँ हैं आप हम बता नहीं सकते कितनी सारी कलियाँ हैं। यहाँ पे देखिए पौधा थोड़ा हेल्दी भी है बहुत, जितना ज़्यादा जितनी ज़्यादा यहाँ पे ब्रांचेस हैं उतनी ज़्यादा कलियाँ हैं। बस यही आप तो फूल लेने का बढ़िया बढ़िया ट्रिप एंड ट्रिक होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल कैसे ले सकते हैं। तो उसमें आप देखिए जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतने ज़्यादा फूल खिलने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो ये आपको फ्लावर कैसे लगे, अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और इसी प्रकार से एक और प्लांट मैं लाया हूँ वो मेरा उसका है हिबिस्कस का, गुड़हल का, वो जो परमानेंट फ्लावर देने वाला है, परमानेंट फ्लावर देता है मतलब 12 महीने फ्लावर देता है। कुछ ऐसे हिबिस्कस होते हैं गुड़हल जो 1-2 महीने सीजन में देते हैं, लेकिन वो एक ऐसा है परमानेंट फ्लावर देता है, उसकी भी मैं अपडेट दे दूंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं सोच रहा था गेंदा की अपडेट दे देता हूँ। इसके बाद में जो मैंने सीड्स तैयार किए थे गेंदा उसका मैं दिखाता हूँ क्या कितने बड़े हो गए, उसमें कलियाँ भी आ गई। देखिए आप दिखाता हूँ, ये देख लीजिए कितनी सारी कलियाँ आ गई, कितनी ढेर सारी कलियाँ आ गई। तो देख लीजिए अपडेट, देखो कितना भरा हुआ है गमला, ये देखिए ये 10 पाउंड के इंच में और कितना सारा भरा हुआ है, ये देखिए दिख रहा होगा कितना सारा सुंदर लग रहा होगा आपको ये। तो आप भी इसी तरीके से कलियाँ बहुत सारे फूल ले सकते हैं, इसका मैं राज बता चुका हूँ पहली वीडियो में, आप देख लीजिएगा। तो अब इतना बड़ा हो चुका है, कलियाँ भी आ चुकी हैं और जैसे ही फूल खिलेंगे मैं आपको इसकी भी वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो दोस्त आज मैं जो वीडियो बनाया हूँ इस आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स को बताइए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्त। थैंक यू दोस्त।